दीदी स्मृति ईरानी जी यहाँ से ताल ठोक दी हैं और राहुल गांधी अगर न लड़े तो उनके भविष्य के लिए अच्छा है, कम से कम 4 लाख वोट से राहुल गांधी इस बार हारने वाले। हाय बाय टाटा करने वाले सांसद को अमेठी की जनता ने नकार दिया पिछली बार। राहुल गांधी का टाटा हाय हाय बाय बाय वही से चले जाते थे वापस, इधर कहीं भी समर्थन देने के लिए नहीं आते थे, यहाँ पे आप दीदी आ रहे। अमेठी में सियासी मैदान सज चुका है। एक तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज अमेठी पहुंच रही है जिसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री और अमेठी से मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी इस वक्त अपने संसदीय क्षेत्र में हैं और वो फिलहाल टीकर माफी गांव में जो लोग हैं उनसे रूबरू हो रही हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको एक तरीके से उनसे उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी लोगों के से घिरी हुई है और कोशिश ये की जा रही है कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं उसको दूर किया जाए। वो एक एक लोग से मिल रही हैं, एक एक जो प्रार्थना पत्र है, एक एक जो एप्लीकेशन है उसको पढ़ रही है और इसके साथ ही उनके साथ जो स्थानीय अधिकारी हैं, चाहे ब्लॉक स्तर के अधिकारी हो या फिर जिले स्तर के अधिकारी हो, वो यहाँ पर मौजूद हैं और हर तरह की जो समस्या है उसके ऑन द स्पॉट समाधान की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ये उनका 4 दिवसीय यात्रा है जिसे जन संवाद विकास यात्रा नाम दिया गया है और स्मृति ईरानी 4 दिनों तक यहाँ पर रहेंगी और लोगों की जो समस्याएं हैं उसको उनको जानेंगी, सुनेंगी और उसका समाधान करने की कोशिश करेंगी। देखिए अमेठी से निश्चित तौर पर जो पिछले 5 साल से जो उनका रिश्ता है वो लगातार मजबूत होता जा रहा है। इसके पहले हम देखे थे कि हालांकि 2014 में वो यहाँ से चुनाव लड़ी थी लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को सीधे तौर पर शिकस्त दी और इस बार भी वो पूरे दमखम के साथ इस वक्त चुनावी मैदान में डट चुकी हैं। हालांकि अब चुनाव बिल्कुल नजदीक है, अगले 2 से 3 महीनों के दौरान चुनाव हो सकता है, ऐसे में जो उनकी तैयारियां हैं वो और तेज हो चुकी हैं। तो दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी भी आज जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा है वो लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या राहुल गांधी एक बार फिर से चुनावी मैदान में स्मृति ईरानी का सामना करेंगे या फिर वो अपनी सीट यहाँ से छोड़ देंगे। हालांकि इसको लेकर जो संशय के बादल हैं वो लगातार मंडरा रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। अमेठी के दिल में क्या है, अमेठी की जनता की उम्मीदों पर स्मृति ईरानी कितना खरा उतरी हैं, इसी को जानने और समझने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हैं टीकर माफी इलाके में। हमारे साथ देखिए अमेठी की जनता भी है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्मृति ईरानी के मुकाबले राहुल गांधी इस बार मैदान में आएंगे या नहीं आएंगे और उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। अभी संशय की स्थिति बनी हुई है कि स्मृति ईरानी ने तो ताल ठोक दिया है लेकिन राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इसको लेकर संशय है, पर आप लोग की उम्मीदों पर जो आप लोग की सांसद हैं वो कितनी खड़ी हो रही है। दीदी स्मृति ईरानी जी यहाँ से ताल ठोक दी हैं और राहुल गांधी अगर न लड़े तो उनके भविष्य के लिए अच्छा है, कम से कम 4 लाख वोट से राहुल गांधी इस बार हारने वाले हैं। अमेठी की जनता मन बना ली है अपनी दीदी को ही वोट देगी क्योंकि वो आम जन से जन जन से उनका सीधे संवाद है, वो सबसे मिलती है, सबका सुख दुख में काम करती है और ऐसा ही सांसद हम लोगों को चाहिए। हाय बाय टाटा करने वाले सांसद को अमेठी की जनता ने नकार दिया पिछली बार और इस बार कम से कम 4 लाख वोटों से दीदी को हम लोग जिताएंगे और सभी जनता की यही मांग। कांग्रेसी तो ये कहते हैं कि ये उनके परिवार की सीट है, ये गांधी परिवार का गढ़ है, हम इसे कैसे भूल सकते हैं। गांधी परिवार का गढ़ राजीव जी के समय में था, उसके बाद से जितने लोग हुए उन्होंने अमेठी का जनता का सिर्फ वोट लिया, शोषण किया, कोई काम नहीं किया इन 20-25 सालों में। तभी तो हम लोगों ने दीदी स्मृति ईरानी को पिछली बार चुना और आगे इस बार हम लोग 4 लाख वोटों से कम जीतेंगी स्मृति ईरानी दीदी हमारी और हम लोग सभी उन्हीं के साथ हैं। स्मृति ईरानी ने 5 सालों के दौरान क्या कुछ कार्य किए हैं, कोई 5 काम गिना सकते हैं आप? बहुत काम किए। क्या क्या किया हमारे यहाँ?
क्या क्या किया? ओवर ब्रिज बनवा लिए हैं और बाईपास भी हो गया है, आने जाने के रास्ते भी हो गए हैं, रोड भी बढ़िया फर्स्ट क्लास हो गया है। हाँ हाँ, और यहाँ से राहुल गांधी जीतने वाले नहीं है, भगेड़ा है, आते हैं और चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं रखते हैं। इस बार तो वो आ भी नहीं रहे हैं, दो दफे इसके पहले आए 2019 के चुनाव हारने के बाद, अब तीसरी दफे आ रहे हैं। अरे कुछ आए जाए कुछ मतलब उनका आने जाने का निकलेगा नहीं। आप लोग स्वागत नहीं करेंगे राहुल गांधी का? तीन साल भाई, तीन साल स्वागत, यही दीदी जी आ रहे हैं का स्वागत होगा। हाँ। कितना उन्होंने काम किया है, क्या लगता है कि आप लोग के जीवन जो शैली है उसमें कितना बदलाव लाया है, और खासतौर से अमेठी के विकास के लिए उन्होंने कितना काम किया है? टीकर माफी में आप खड़े हैं, यहीं पर बाबा भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय खुलवा के गई है वो। हाँ, उसके बाद बाईपास अपना हो गया इधर अमेठी में, एचएल में बंदूक फैक्ट्री हो गया, कई तरीके के ऐसे काम है। लगता है कि 5 सालों के दौरान स्मृति ईरानी जी ने जो विकास कार्य किए हैं उसके बूते वो फिर से सांसद बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, उनसे ज्यादा किसी ने काम आज तक किया ही नहीं है, ना राजीव गांधी तक नहीं किए हैं, राजीव गांधी भी गुमराह होकर चले गए यहाँ से। अमेठी केवल घर बताने से घर नहीं होता है, घर में परिवार को संजोना पड़ता है तब परिवार बचता है, नहीं तो अगर मुखिया गड़बड़ हो तो परिवार बिखर जाता है, वो तो बहुत दूर की चीज है। और उन्होंने किया क्या है यहाँ बता सकते हैं? कुछ कोई काम किया हो तो वही बता दें। अब तो राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इसको लेकर भी संशय बरकरार है। तो संशय क्या, वो लड़ना भी नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उनकी उनकी रिपोर्टिंग हो चुकी है कि आप चुनाव फिर हारेंगे और बेइज्जत होंगे, कोई मतलब नहीं लड़ने का। 100% मान चलिए कि वो नहीं लड़ेंगे यहाँ से, तो आप लोग को ये भरोसा हो गया? एकदम भरोसा है कि वो चुनाव यहाँ से नहीं लड़ेंगे, वो ऐसी सीट हारेंगे ढूंढेंगे जहाँ उनको फ्री में वोट मिल जाए, कुछ करना ना पड़े, अगली बार फिर दूसरी चेंज कर लेंगे। अगली बार दूसरी। अच्छा, हम एक चीज ये भी देख रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी ने तो बकायदे यहाँ पे घर भी बनवा लिया, गांधी परिवार से जहाँ दूरी बढ़ती जा रही है रायबरेली और अमेठी से, वहीं पर स्मृति ईरानी को हम देख रहे हैं उन्होंने अपना घर भी बनवाया, गृह प्रवेश भी होने जा रहा है। यही तो अंतर है पूर्व सांसद के और हमारी वर्तमान सांसद में। राहुल गांधी और गांधी परिवार यहाँ 35-40 साल रहा, फिर भी एक मकान उनका नहीं बन सका। संजय गांधी अस्पताल में गेस्ट हाउस में वो रुकते थे, हमारी दीदी ने इसको अपना घर समझा, इसीलिए उन्होंने घर बनवाया और उसका घर उतार 22 तारीख को है, जहां हम सभी क्षेत्रवासी लोग जाएंगे और दीदी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। 70 सालों तक जो कांग्रेस का जुड़ाव रहा वो नहीं हो पाया, लेकिन अब एक बार ये कंपेरिजन कर लीजिए कि जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और इंदिरा गांधी रायबरेली में थी, कभी दोनों का उसी में कंपेरिजन कर लिए। राहुल गांधी वो क्या नाम, राजीव गांधी ने ही अमेठी में क्या किया है, इनकी तो बात छोड़ दीजिए, आए जब प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी ने क्या किया वही देख लीजिए। आज प्रधानमंत्री का क्षेत्र जब था उस टाइम कोई काम बाकी रहना चाहिए था क्या? वहाँ मोदी है, देख लीजिए बनारस में क्या बाकी रह गया। सही बात है, क्या बाकी रह गया। स्मृति ईरानी पर कितना एतबार करते हैं, वो अमेठी की जनता के दिलों पर कितना राज करती है? ये 5 साल अमेठी की जनता देख चुकी है और अमेठी में जितना विकास हुआ है इस 5 साल में, इतना विकास अभी 40 साल में कभी हुआ नहीं। इसी उम्मीद से इस बार भी हम 5 साल के लिए अपने सांसद दीदी स्मृति ईरानी को विजयी बनाएंगे। भाई कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, उस पुरानी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी यहाँ से 3 बार सांसद रहे, तो क्या उन्होंने काम नहीं किया था क्या? 3 साल नहीं, 30 साल रहे गांधी परिवार यहाँ, 30 साल से है, लेकिन 30 साल में 30 काम ऐसा नहीं बता सकती जो किया है, लेकिन 5 साल में जो दीदी ने किया है, 5 साल नहीं 25 काम तो हम बता सकते हैं आपको, गिना सकते हैं। जी इतना भरोसा है? जी भरोसा नहीं, दिख रहा है, दिख भी रहा है। तो क्या लगता है कि इस बार राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे? हालांकि संशय स्थिति बनी हुई है कि वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, और आज उनकी भारत जोड़ो यात्रा भी यहाँ पहुँच रही है। आप जानिए दीदी के अलावा यहाँ पे कोई चुनाव लड़ेगा नहीं, आप जानिए, और आप जीतेंगे भी नहीं यहाँ से, क्योंकि कोई विकास कार्य दिखा नहीं आज तक राहुल गांधी जी का और दीदी जी का। हमारा कार्य विकास प्रतिदिन हो रहा है, विकास हो रहा है, और राहुल गांधी जी के समय में गड्ढे पे गड्ढा, रोड पे गड्ढे, कहीं लाइट नहीं आती थी, हफ्ते हफ्ते लाइट नहीं आती थी, दिन रात शिफ्ट वाइज रहती थी, आज 24 घंटे लाइट मिल रही है, 22 घंटे लाइट मिल रही है, बराबर मिल रही है, पूरा हर चीज दीदी का दिख रहा है। और राहुल गांधी के जब यहाँ से सांसद थे, 3 बार वो यहाँ से सांसद रहे, 2004 से लेकर 2019 तक वो सांसद रहे, तो क्या उन्होंने कोई ऐसा विकास कार्य नहीं किया जिसके भरोसे वो इस बार चुनाव मैदान में आ सके? नहीं, बिल्कुल कोई विकास कार्य नहीं किया उन्होंने, कुछ दिखाई नहीं हमें आज तक, क्या विकास कार्य किया उन्होंने? दीदी जी का विकास कार्य दिख रहा है सबको, सबका विकास कार्य दिख रहा है।
जी जी दिख रहा है, उनका तो टाटा हाय हाय बाय बाय था। कौन, किसका? राहुल गांधी का। राहुल गांधी का टाटा हाय हाय बाय बाय, वहीं से चले जाते थे वापस, इधर कहीं भी दर्शन देने के लिए नहीं आते थे, जहाँ पे आज दीदी जी आ रही हैं। टिकर माफी जो, जी 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 टिकर माफी की बात कर रहा हूँ। कभी भी कांग्रेस का कोई भी बड़ा प्रत्याशी इधर आया नहीं। कुछ तो रहा होगा गांधी परिवार में कि जो अमेठी से, अमेठी की जनता गांधी परिवार पर भरोसा जताती थी और लगभग 30 सालों तक भरोसा जब था तब था, अब नहीं है भरोसा। भरोसा से थोड़ी पेट भरता है किसी का, काम किए नहीं भरोसा लेके थोड़ी काम चले, भरोसा लेके हम थोड़ी जिएंगे।